देखो मैं दिखे कैसे मतलब कैसे हां मैं लिखूं आपसे यार तो लोग से लिखे वाह चलो कौन सी लिखे कहां का है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मॉर्निंग स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर फर्स्ट जो है परिमेय संख्या हमने कल पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में परिमेय संख्या जो कि अपन दो के रूप में दर्शाई जाती है पहले ही पढ़ चुके हैं और कल हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के लिए सबसे पहला गुणधर्म है संपर्कता गुणधर्म संपर्क गुणधर्म में सबसे पहले संपर्क गुणधर्म जो है उसमें हमने सबसे पहले जो संख्या ली थी वो ली थी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याओं में हमने योग संक्रिया व्यवकलन संक्रिया गुणन संक्रिया और भाग संक्रिया पर हमने उस गुणधर्म को सत्यापित करा था जिसमें हमें ये पता लगा कि पूर्ण संख्याओं के लिए पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है उन संख्याओं के लिए योग और गुणा दोनों संख्याओं में ही संभवतः धर्म लागू होता है अब हम जो दूसरी संख्या लेंगे वो लेंगे दूसरी संख्या पूर्णांक संख्या इसलिए पूर्णांक संख्याओं के पूर्णांक संख्याओं के लिए संबंध गुणन में हम सबसे पहले जो संक्रिया है वह योग संक्रिया है क्या है योग संक्रिया योग संक्रिया में हम गुणांक संख्या के मान को लेते हुए संबंध गुणन लागू होता है वो देखेंगे तो माना कि दो संख्या है दो गुणांक संख्या या दो गुणांक ए और बी है ए प्लस बी दो गुणांक संख्याओं को जोड़ने पर परिणाम जो है वो भी ए प्लस बी ही प्राप्त होता है गुणांक संख्या ही परिणाम होती है इसलिए दो पूर्णांक संख्या में जब योग किया जाए तो उन्हें उनका परिणाम भी पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है इसलिए पूर्णांक संख्याओं के लिए संबंध गुणन लागू होता है उदाहरण के तौर पर उदाहरण के अनुसार माना कि दो संख्या है 10 प्लस 5 तो 10 प्लस 5 दो पूर्णांक संख्या है इन दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर जो परिणाम आता है वह भी पूर्णांक संख्या ही आता है इस प्रकार 10 प्लस 5 जो दो पूर्णांक संख्या है उनको जोड़ने पर जो परिणाम है वह भी परिणाम भी पूर्णांक संख्या है ये पूर्णांक संख्याओं की योग संक्रिया के अंतर्गत संपर्क गुणधर्म लागू होता है सभी इसको अपनी नोटबुक में नोट करें
परिमेय संख्या जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसमें हमने समवर्त कुंडल में कल पूर्ण संख्या के लिए संवर्तता के लिए योग संख्या योगदल संख्या गुण संख्या और पा संख्या पर हमने संख्या की जांच की थी, जिसमें हमने पूर्ण संख्या में योग और गुणन में ही सत्यापित लागू हुआ। अब हम गुणन संख्याओं के लिए समर्थ गुणन को लागू करने के लिए सबसे पहले योग संख्या के माध्यम से माना कि दो पूर्ण संख्या ए और बी है, ए प्लस बी, ए प्लस बी जो उसका योग फल आया वह पूर्ण संख्या के रूप में बना होता है। इसलिए उदाहरण के अनुसार हम समझेंगे कि 10 और 5 जो दो पूर्ण संख्याएं हैं उनका योग फल भी पूर्ण संख्या के रूप में 15 प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि योग संख्या में संबंध गुणन लागू होता है। अब इसमें पूर्ण संख्या के योग संख्या के बाद नई संख्या जो आएगी दूसरी संख्या वह योगदल संख्या। पूर्ण संख्या के संबंध में दूसरी संख्या जो है वह है दूसरी जो आपके है वही योगदल जर्गल या घटाने की संख्या में दो पूर्णांक संख्या माना कि दो पूर्णांक संख्या लेते हैं, माना कि दो पूर्णांक संख्या ए और बी के लिए ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर जो परिणाम है वो ए माइनस बी प्राप्त होता है, प्राप्त परिणाम गुणांक ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर हम एक सवाल करते हैं, माना कि दो संख्या 5-7 जैसे हैं, 5 में से 7 जो बड़ी संख्या है घटाने पर जो परिणाम आता है वो -2 -2 प्राप्त संख्या एक गुणांक होती। इसलिए व्यवकलन संख्या में पूर्णांक संख्याओं के लिए संवर्त गुणन लागू उदाहरण के तौर पर 5 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, 5 में से 7 जब घटाया जाएगा तो हमें परिणाम के रूप में -2 प्राप्त होता है। -2 प्राप्त जो संख्या है वह एक पूर्णांक होती है। इसलिए व्यवकलन संक्रिया के अंतर्गत या व्यवकलन संक्रिया में पूर्णांक संख्याओं के लिए संबंध गुणन लागू होता है। समझ में इसको
सभी नोट करें। अगली संख्या संग्रह के लिए वह गुण संख्या क्या है? तीसरी क्रिया जो है वह गुणन संग्रह के लिए माना कि दो संख्या है, माना कि दो पूर्णांक ए और बी के लिए ए इंटू बी किया जाए तो परिणाम ए इंटू बी के रूप में ए इंटू बी बराबर ए बी प्राप्त परिणाम ये ए इंटू बी दो पूर्णांक संख्याओं में जब गुणा किया जाता है तो उसका परिणाम हमें जो प्राप्त होता है वह प्राप्त परिणाम भी एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। उदाहरण को समझिए, उदाहरण के तौर पर हम तीन दो संख्याओं को लेते हैं जो पूर्णांक संख्या है, तीन एक संख्या है चार भी एक संख्या है, पूर्णांक संख्या में तीन इंटू चार करेंगे तो परिणाम जो प्राप्त हमारा है वह भी एक पूर्णांक संख्या है। अगर एक प्लस के और एक माइनस के हम लेते हैं तो उसमें भी परिणाम जो प्राप्त होगा वह पूर्णांक संख्या के रूप में ही प्राप्त होगा, कोई प्लस माइनस माइनस। इस प्रकार दोनों उदाहरण से हम समझते हैं कि जब दो प्लस की पूर्णांक संख्या है उनके गुणनफल का मान भी पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है और साथ ही एक पूर्णांक संख्या प्लस है और एक माइनस है तो उसके अंतर्गत आपको जो परिणाम प्राप्त होगा तो माइनस बीस जो है वह भी एक पूर्णांक संख्या के रूप में प्राप्त होगा। इस उदाहरण से हमें यह पता लगता है कि गुणन संक्रिया के अंतर्गत पूर्णांक संख्याओं के लिए संबंध लागू होता है। अतः गुणन संख्या में संबंध सभी नोट कर ले। अब हमारी अगली संख्या जो है पूर्णांक संख्या के लिए वह लास्ट संख्या पूर्णांक संख्या के लिए बार संख्या है जिस पर हम देखेंगे संबंध गुणन लागू होता है या नहीं। पूर्णांक संख्या के बारे में हमने बताया पूर्णांक संख्या के लिए संबंध गुणन लागू होता है क्योंकि पूर्णांक संख्या का पूर्णांक से गुणा करने पर परिणाम पूर्णांक ही प्राप्त होता है चाहे वो दोनों ही संख्या प्लस की हो या एक प्लस की हो माइनस की हो तो भी परिणाम जो प्राप्त हो रहे हैं पूर्णांक संख्या के रूप में ही प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि गुणन संख्या में पूर्णांक संख्याओं का संबंध गुणन लागू होता है। अगली संख्या हमारी एक बार संख्या इसमें चौथी जो संख्या है वह बार संख्या है
हम जो इस संख्याओं का सर्वप्रथम तो लागू कर रहे हैं, ये हमारी दूसरी संख्या पूर्ण संख्याओं के लिए हम लागू कर रहे हैं। इसमें चौथा संख्या है भाग संख्या, इसमें सर्वप्रथम के लिए माना दो संख्याओं, माना कि ए और बी दो पूर्णांक है, ए भाजित बी बराबर परिणाम ए अपॉन बी, प्राप्त परिणाम ए और बी, बी का ए में भाग देने पर ए और बी के जो संख्या प्राप्त होनी है, उसमें बी का ए में भाग देने पर परिणाम जो प्राप्त होगा वह जरूर नहीं कि हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो, क्योंकि प्राप्त परिणाम उस पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त परिणाम पूर्णांक हो या प्राप्त परिणाम पूर्णांक हो, प्राप्त परिणाम प्रत्येक पर पूर्णांक हो यह आवश्यक नहीं, क्योंकि उदाहरण से हम समझेंगे, उदाहरण के अनुसार हम समझेंगे कि अगर पहली संख्या तीन में हम बड़ी संख्या पांच का डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो परिणाम के रूप में तीन अपॉन पांच, तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, लेकिन तीन अपॉन पांच में जब भाग दिया जाता है तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग देने पर हमें परिणाम जो है पूर्णांक संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है, वही स्थूल संख्या के रूप में प्राप्त होता है। तीन का पांच जो है पूर्णांक, जो पूर्णांक परिणाम नहीं है। उदाहरण से आप समझिए, तीन में पांच का भाग देने पर तीन अपॉन पांच जो है वह पूर्णांक परिणाम नहीं होता, अतः इससे स्पष्ट होता है कि भाग संख्या में संबल पूर्णांक लागू नहीं हो पाया, अतः स्पष्ट है कि भाग संख्या भाग संख्या में संबल पूर्णांक लागू स्पष्ट है, भाग संख्या के संबंध में लागू नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं में हमने संबंध के लिए चारों संख्याओं का अभी अध्ययन किया, इसमें हमने ये जानकारी ली है कि जब पूर्ण संख्या में सबसे पहली संख्या योग संख्या है, उसमें हमने देखा कि दो संख्याओं को जोड़ने पर, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमें परिणाम पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त होता है, तो उससे यह पता लगा या स्पष्ट हुआ कि योग संक्रिया में पूर्णांक संख्याओं का संबल पूर्णांक लागू होता है। इसी प्रकार घटाना डबल करना उसमें भी हमने सीखा, तो a माइनस b दो संख्याएं जब पूर्णांक ली जाती है उसका परिणाम भी पूर्णांक संख्या के रूप में प्राप्त होता है। तीसरी संख्या हमारी थी जो थी गुणन संक्रिया, उसमें भी हमने देखा कि दो संख्याओं में हमने गुणा करा, पूर्णांक संख्याओं में जो गुणा करा, गुणा करने के उपरांत प्राप्त परिणाम भी एक पूर्णांक संख्या के रूप में प्राप्त होता है। उससे हमें यह पता लगा कि गुणन संख्या भी संबल पूर्णांक को लागू करती है। हम अगली संख्या जो पढ़ रहे हैं आज वह भाग संख्या है, इसमें संबल पूर्णांक के लिए सबसे पहले हमने दो संख्याएं ए और बी ली, जिसमें ए में बी का भाग देते हैं, ए में बी का भाग देने पर हमें ए और बी के रूप में जो परिणाम प्राप्त होता है वह परिणाम एक पूर्णांक संख्या हो यह आवश्यक नहीं, क्यों, क्योंकि उदाहरण के अनुसार हम समझेंगे कि ए और बी संख्याओं में जिसमें हम भाग दे रहे हैं, तो छोटी संख्या जो तीन है उसमें हम बड़ी संख्या का जब भाग देते हैं तो उस स्थिति में प्राप्त परिणाम एक पूर्णांक रूप में प्राप्त हो यह संभव नहीं, अतः इस प्रकार की भाग संख्या में संबल पूर्णांक लागू नहीं होता।
नोट कर लीजिए। सभी इसको अपने कॉपी में नोट करें और कल जब हम पढ़ेंगे वो संक्रिया चारों संक्रियाओं के लिए वो होगी परिमेय संख्याओं के लिए, तो जिसके पास भी बुक करा है किताब है वो अगला टॉपिक अपना इसमें संबल गुणक पर परिमेय संख्याओं के लिए हम कल अध्ययन करेंगे। थोड़ा आप पहले से ही पढ़ लें। कल हम पढ़ेंगे संबल गुणक के लिए गुणक परिमेय संख्या होगी, परिमेय तीसरी संख्या जो हमारी है वो परिमेय संख्या होगी संबल गुणक। सबसे पहली क्रिया जिसमें परिमेय संख्याओं के लिए योग संख्या के लिए योग संख्या में समग्र गुणन के लिए पहला हमारा योग संख्या है, माना दो संख्याएं दो परिमेय संख्याएं ए और बी है, तो ए प्लस बी दो परिमेय संख्या है जोड़ने पर हमें परिणाम पी ए प्लस बी प्राप्त करना परिमेय प्राप्त करना परिमेय संख्या। उदाहरण के अनुसार माना कि पहली संख्या परिमेय एक गुण चार, दूसरी है पांच गुण चार, हम दो संख्या है परिमेय संख्या है, ये पहली परिमेय संख्या है ये दूसरी परिमेय संख्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उनका योग जो परिणाम है उसमें प्राप्त होगा। तो पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या है पी अपॉन क्यू अर्थात भिन्न के रूप में होती है, तो भिन्न के रूप में संख्याओं को जोड़ने का तरीका है एलसीएम लेके प्लस का मान निकाल के हम उसका योग या घटाना या गुणा करना देते हैं। योग करने में सबसे पहले एलसीएम क्या आया चार, चार में चार का डिवाइड करने पर भाग कर दिया गया एक से एक से डिवाइड किया गया प्लस चार में चार का भाग किया इसके बाद कहता है एक बार पुनः हम उसमें एक का भाग करता है एक का पांच से गुणा करते हैं पांच हमें परिणाम के रूप में छह को चार जो प्राप्त होता है वह एक परिमेय संख्या है। छह दो के पार से दोनों कटेंगे क्या आएगा तीन का दो, प्राप्त परिणाम परिमेय संख्या। अतः योग संख्या में परिमेय संख्याओं के लिए संबंध गुणक लागू होता है, यह हमने आज सीखा। कल अगली तीन संख्याएं जो बाकी है व्यवकलन गुणन और भाग वो हम परिमेय संख्याओं के लिए ऊपर संबल गुणन लागू करेंगे, लेकिन एक उसमें लागू होता है या सभी नोट कर लें।
सभी नोट कर रहे हैं, थैंक यू ऑल ऑफ।